दिल्ली सिर्फ इस बात पे कि ये इस देश की राजधानी है। क्योंकि ये इस देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली इस देश के किसी भी कोने से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का अधिकार रखती है। ऐसी मान्यता बन गई है। तो आज क्या हो गया है कि दिल्ली अपनी प्यास के लिए टिहरी पहुंच गई, दिल्ली अपनी प्यास के लिए भाखड़ा पहुंच गई, और अब दिल्ली अपनी प्यास के लिए गिरी पहुंच रही है। रेणुका जी, दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है। अगर हम बाकी मेट्रो सिटीज से कंपेयर करें, जैसे चेन्नई में बहुत कम पानी है, और चेन्नई बैंगलोर इनमें पानी की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है, पीने के पानी की खासकर। और दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि हमें मुश्किल, यहाँ पर भी होती है कभी कभी, प्रोटेस्ट यहाँ पर भी बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पर कोई पानी की ऐसी मुसीबत नहीं है कि हमें और कहीं से पानी लाना पड़े। मुसीबत जो पानी की, वो हमारे यहाँ पर ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है, म्युनिसिपल सप्लाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ एरियाज़ में बहुत कम होती है। ये यमुना उत्तर की तरफ से आ रही है और इधर दक्षिण में जाकर फिर आगे जाकर गंगा में मिलेगी। दिल्ली के एक तरफ पश्चिम में पूरी अरावली की पर्वतमाला है और ये जाके आज जहाँ विश्वविद्यालय है वहाँ कोने में जाके ख़त्म होती है। ये छोटा सा नक्शा है जो बहुत सारी बातें कहता है। आज दिल्ली की पानी के मामले में जो दुर्दशा है, दिल्ली को जो अपने पड़ोसी राज्यों से पानी चुरा के लाना पड़ रहा है, वो उसको चोरी नहीं मानती, उसको वो डेवलपमेंट मानती है, लेकिन वास्तव में तो चुरा के लाती है। ये 1807 का नक्शा है और दिल्ली कितने जल्दी कितनी बदली है वो बताता है। अक्सर इतने जल्दी भूगोल बदलना नहीं चाहिए किसी शहर का। इमारतें नई आ सकती हैं और पुरानी जा सकती हैं, लेकिन भूगोल बदल जाए, जहाँ पहाड़ी है वहाँ हमने उसको मैदान बना दिया, जहाँ मैदान है वहाँ कोई पहाड़ खड़ा कर दिया, जो नदियाँ बहती हैं वो सब नदियाँ हमने गायब की। यहाँ पर यह सरकार डैम बनाने जा रही है, ये आमतौर पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके हित में नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ के जो लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी, लोग बेघर हो जाएंगे। और सरकार की तरफ से वो वादा किया जा रहा है कि बिजली बनेगी, दिल्ली के लिए पानी जाएगा, मगर यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी नहीं मिलता है। और दिल्ली की देने की हम बात करते हैं, यहाँ जो रेणुका डैम बनाया जा रहा है, ये असल में दिल्ली के लिए पानी का एक रिजर्वायर बन रहा है। दरअसल इस डैम के लिए दिल्ली सरकार पैसा दे रही है और हिमाचल सरकार का HPCCL जो है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है। इससे हज़ारों हेक्टर, लगभग 7,000 हेक्टर ज़मीन तो डूबेगी, साथ में 550 परिवार पूर्ण तौर पर विस्थापित भी होंगे, लाखों पेड़ इसमें डूबेंगे और जो वन्य जीव है उनका भी विनाश होगा, क्योंकि साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उस पर भी नुकसान होना है। पूरे इलाके में ये 24 किलोमीटर का जो इलाका है, रिजर्व जो वायर है जहाँ तक पानी भरना है, पूरे इलाके में एक जैसी खेती होती है और सारी उपजाऊ ज़मीन है, सब कल्टीवेट और क्लाहू ज़मीन है, सिंचित ज़मीन है। इसमें गर्मी ज़्यादा, अगर गर्मी पड़ जाए तो उसका भी कुछ फर्क पड़ता नहीं है, फसल अच्छी फसल हो जाती है। शिमला मिर्च भी होती है, मक्की भी होती है, धान भी होता है, गन्ना भी होता है और टमाटर भी होता है और मक्कियाँ भी होती है। अगर कोई ऐसी बात है ना, जब देखा जाए हमें मक्कियों से लाभ मिलता है, अदरक हमारा 3,000 रुपये मन जा रहा है,
टमाटर हमारा 800 रुपए का क्रेट जा रहा है, हर मिर्च हमारी 28 रुपए किलो जा रही है, और जो अरबी है, अरबी हमारी इस टाइम 32 रुपए किलो जा रही है। हमें इस हर चीज़ों से ये लाभ है। जो केले का बूट है इससे भी हमारे को लाभ है, अमरूद है इससे भी हमें लाभ है, आम के पौधे लगाए हुए इससे भी हमें लाभ है, नाशपतियाँ हैं इससे भी हमें लाभ है। जब कोई झूठी बात हो तो देखी जाए, कोई इसमें शक शुबा बात नहीं है। जो रेणुका जी से बड़ू साहिब तक जमीन जा रही है, सारी कलाऊ जमीन है ये। यानी कि पूरा का पूरा साल भर का अपना अनाज हो जाता है, दालें अपनी हो जाती है, धनिया हो जाता है, धनिया बीजते हैं, ये मसाले के लिए मिर्चें होती है, हल्दी होती है, हमारी मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें बाजार से लानी पड़े, सभी के सब हम खेत से उगा लेते हैं। सिर्फ एक चीनी और एक नमक, इसको छोड़ के बाकी की बाकी चीज़ें हम पूरी अपने ज़मीन से निकाल लेते हैं और बेचते भी है। प्रोडक्शन करके जो फालतू होगा उसको बेचते भी है। यही जीवन है, जमींदारा है, गरीब आदमी है, मजदूरी नहीं है, कोई दिहाड़ी नहीं है, जमीन से ही काम करते हैं, जमीन में से गुजारा कर लेते हैं, पशु पालते हैं तो इसी से अपने बच्चों पाल लेते हैं, छोटा मोटा काम हमारा जमींदार है, कहीं बाकी कोई ये नहीं है, अब ना नौकरी है ना पैसा है तो इसी से हम गुजारा कर लेते हैं, गाय भैंस पालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो उसी से गुजारा कर लेते हैं, बाल बच्चा पाल लेते हैं, बाकी हमारा गुजार देते तो क्या करें, तो मजबूरी में तो जाना ही पड़ेगा ना, तो हम उससे गुजारा ही कर लेते हैं। हमारे पास से एक मण लगा के 15 मण भी निकल सकता है, तो ऐसे ही सब्जियां हमारे खेत में उगती है। अब जब डूब जाएंगी तो कहां से निकलेंगी, कहां से ना, तो ये गगटिया भी फायदे वाली चीज़ है। मिर्चा का पौधा भी हमारे पास इसी में उगता है, भांग का दाना भी हमारे पास सब्जी के चटनी लायक इसी से उगाते हैं, तेल भी हम इसी में बीजते हैं, इसकी भी सब्जी उगती है, हर चीज़ की हम इसके पत्ते की भी उगती है, अदरक की भी उगती है, गगटी खाने को उगती है। एक पौधा लगाने से 3 सब्जियां मिलती है, हमारे केस में 6 महीने तक, 3 महीने अभी कटेंगे और 6 महीने और कटेंगे। हाँ जी, ग्रीन हाउस लगाए हमें 8-10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए, क्योंकि हम पौधे जो इसकी 9 साल लगा दी हमें, गुलदावदी की खेती करते हुए ना। हाँ जी, तो उससे पहले लगाया था हमने, कम से कम 10 साल हो गए उन्हें। इसमें 2-3 वैरायटीज है जी हमारी, जैसे एक येलो स्टार है, एक वाइट स्टार है और एक अजय है, 3 वैरायटीज है इसकी। तो फिर 3 नए लगाते हम, 3-4 है वैसे, हमने 3 ही रख रखी ना कंप्लीट, वही 3 रखनी है हमने अपनी, बाकी हम इसको जैसे पैकिंग पुकिंग करते हैं कि चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह भेजते हैं इसको पैकिंग करके। पानी से ही चलता है, हम तो पानी से ही चलाते हैं, क्योंकि बिजली का तो वैसे भी खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है और वो आटा टेस्टी भी नहीं है, लोग खरीदते भी नहीं उसको, यहाँ के लोग खाते ही नहीं, उम्र जो यहाँ खेती होती है उम्र वो घराटों में पीस के खाते हैं। चक्की है मगर उसमें मामूली बहुत कम गेहूँ ही पीसे जाते हैं, बाकी मक्की वगैरह जो सारी है ना जी, मंडुआ है वो सब, और इसी से सत्तू है वो सब इसी से पीसा जाता है पानी से। ये है जी फैन, इसके नीचे पानी पर अधिकारों के बारे में कोई बात नहीं करता, ज़्यादातर यही माना जाता है कि पानी के जो संसाधन हैं वो राज्य के संसाधन हैं या फिर वो सरकारी संसाधन हैं, लेकिन उसमें मतलब जो लोग हैं उनका अधिकार क्या है उपयोग के अलावा, और जब वो उपयोग करते हैं तो उनका अधिकार उस पर होना चाहिए, वो एक बात रखना ज़रूरी है। इसमें जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एक मतलब उनको पानी चाहिए तो उन्होंने पैसा रख दिया टेबल पे, हिमाचल सरकार ने बेच दिया और जो लोग बीच में जो इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे, तो वो है ही नहीं। लोगों की राय ये है जी सबकी, फिर आराम से बहुत ही भूखे मर जाने में,
हम इसमें गुराड़ गुरुड़ में गुजारा करते है, फिर हम भूखे मर जागे जी, क्या करेंगे। आनंद जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ बुढ़ापा आ रहा है, कैसे हम पढ़ेंगे, वैसे तो डैम तो नहीं आना चाहिए, क्या करें। जो ये रेणुका डैम बन रहा है तो इसमें 17 पंचायतें मतलब यानी कि विस्थापित होगी, 17 पंचायतों के लोग, तो इसमें जो हमारा एक मुख्य मतलब यानी कि विरोध की बात आ रही है वो सीधा फूड एंड लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फूड एंड लाइवलीहुड में मतलब यानी कि लोगों की जीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। हाँ, ये बिल्कुल बहुत घना जंगल है और इसमें जो है पशुओं के लिए चारा और हमारे लिए जो है जमींदारों के लिए ईंधन के रूप में यहीं से ही हम लोग गुजारा करते हैं, क्योंकि ऊपर जहाँ पे लोग बसते हैं पहाड़ों में वहाँ पे जंगल नहीं है, ना तो वहाँ ईंधन के लिए लकड़ी मिल सकती है ना ही पशुओं के लिए चारा है। इसलिए कम से कम 20-25-30 गाँवों के जो है ना जी लोग इसी निचले ही पोर्शन से जो है लोग जो है पशुओं का पालन भी पोषण भी करते हैं और ईंधन के रूप में चारा भी उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे जोड़ी जी गाठी हम नहीं चढ़ सकते गाठी, हमको यहाँ ही रहना चाहते हैं, हम रुको जो रुकियो उमर डैम नहीं चाहिए। हाँ हम नहीं चाहिए डैम, हमने कहाँ चढ़ने गाठी, हम तो यहाँ नहीं चल सकते, बुढ़े वो है उमें अगू नंडी दुखती है, अरे उमर डैम नहीं चाहिए। दो बड़े रिजर्वायर सबसे पहले डिजाइन हुए, एक तो भाखड़ा बना 50s में 50s-60s में, भाखड़ा में हमारे 40,000 परिवार तकरीबन इन्होंने डुबो दिए। उस वक्त कोई कॉम्पनसेशन R&R का इस तरह का कोई प्रावधान था ही नहीं, जो मन मर्जी के सौदे हुए लोगों को उखाड़ दिया। 11,000 रिकॉर्ड हुए उसमें, क्योंकि 11,000 लोगों की जो है ज़मीनें थी, मलकियत थी, जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन थे या मुजारे थे, वो गिनती में भी आज नहीं है कि वो मुजारे हैं, वहाँ के विस्थापित हैं। यही पोंग में हुआ, पोंग में भी आज 17-18,000 परिवार विस्थापित हुए और लैंडलेस को वहाँ भी विस्थापितों के दर्जे से बाहर रखा गया। इस तरह का बड़ा जुल्म हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के साथ पहले भी हो चुका है और उन लोगों का पुनरावास आज तक ठीक से ना पोंग का हुआ ना भाखड़ा का हुआ। हमारी जमीन जारी, हमारे पास बचा ही कुछ नहीं है, वैसे ही बचिए थोड़ा बहुत, उसमें क्या होगा गुजारा, जब हमारे नीचे से भी अपना पूरा होता है साल भर का गुजारा, तो ऊपर से कहाँ होना है। और हमारे लिए ज़मीन नहीं बता रहे, हम मीटिंगें बहुत कर रही हैं, अभी तक कोई हमको श्वासन नहीं दिया इन्होंने, भाई हम आपको वहाँ ज़मीन दिखाई, 3 बार नीरी डांग दिखाई, जैसी ये डांग है ऐसी डांगे दिखाई हमको दूर से, तो उसमें कहाँ होगा। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, शीला दीक्षित जी के पास इधर से हमारे कुछ लोग एक संस्था के माध्यम से गए, तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि हम तो खरीददार हैं, और जो खरीददार है तो वो क्या करेगा, उसने तो कहा कि हमने तो पैसा देना है, ज़मीन खरीदनी है, तो हाँ हम तो ये कहते हैं कि हमें ज़मीन बेचनी नहीं है, हम कहते हैं कि आप डैम बनाना है कि और जगह बनाइए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए, हमारे को जानने पर क्यों लगे, जब आप हमें सही ढंग से विस्थापन नहीं कर सकते, हमें सही ढंग से हमारा पुनर्स्थापन नहीं आप कर सकते, तो हमें उजाड़ने पर क्यों लगे यहाँ। यहीं पे खेती बाड़ी करनी पड़ेगी और पालन पोषण सभी चीज़ का है ना, कहाँ ले जाने बच्चे, हमने कहाँ जाना है ना, यही हमने गुजारा करना है अपना, हमको बांध नहीं चाहिए है ना, डैम नहीं चाहिए हमको। यहाँ जनसुनवाई ही की गई थी एक,
तो उसमें से कुछ सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम हो गया, 120 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया उसमें, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की उन्होंने, जो लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किए उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया उन्होंने, और उसका सारा कुछ उन्होंने इस ढंग से कर लिया, तो अपनी फेवर की उसमें उन्होंने बातें लिख ली होगी। तो उसमें और फिर उसका प्रचार भी जब जन सुनवाई होनी थी उससे एक या दो दिन पहले अखबार में एक छोटी सी न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर जन सुनवाई होने जा रही है, जबकि उसके पहले सूचना मिलनी चाहिए थी कि जन सुनवाई हो रही है उसके बारे में, तो लोगों को कोई ऊपर नहीं किया गया। तो असल में जो डूबने वाले लोग थे वो उस जन सुनवाई में नहीं आ सके हैं, जिनका कुछ उसमें निहित स्वार्थ था, छोटी सी ज़मीन है और उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, इस तरह के लोग फिर वहाँ पर आ गए। तो इस समय मेरे पास लगभग कोई 500 पेड़ जो है खेर का है, जो मेरी मलकियत ज़मीन में है, लेकिन आप इतनी बेशकीमती लकड़ी जिसका कि कत्था बनता है तो ये हमारे पास है, लेकिन प्राइवेट लैंड में HPPCL कह रहा है कि पेड़ ही नहीं है, कैसे वो मतलब यानी कि हमारे को जो है मतलब गुमराह कर रहा है, और सरकार को गुमराह कर रहा है, पर्यावरण मंत्रालय को गुमराह कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो एक जो समर्जेंस एरिया में ये ज़मीन आ रही है प्राइवेट, ये रेगिस्तान नहीं है। इस नदी के जो धरातल से 148 मीटर इस सड़क से लगभग 50 मीटर ऊपर होगा, ये 50 मीटर का एरिया सारा ये सेंचुरी एरिया है, और ये रिजर्व फॉरेस्ट और सेंचुरी एरिया का दोनों तरफ का एरिया है, इसमें पूरा जंगल है, ये सब डूब जाएगा। ये सामने जो सारी है ये प्राइवेट लैंड है, और इसमें कहा गया है कि प्राइवेट लैंड में कोई पेड़ पौधा नहीं है। जो भी रजिस्ट्रिया हुई है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रिया कराई उनसे इन लोगों ने लिखवाया, HPCL वालों ने लिखाया कि हमारे ज़मीन में कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, जबकि रियल सीन आपके सामने है, ये इसमें पूरा वन क्षेत्र ये प्राइवेट है। जो आज तक अभी तक इन्होंने कोई भी विस्थापित के बारे में कोई योजना है नहीं, बनाई नहीं है, ना कुछ सुन रहे हैं, अब यही दबाव डाल रहे हैं कि इसको जो है वो अक्वायर कर रहे हैं लैंड को सारा, यही सुनने में आ रहा है, तो इसमें तो कोई वो है नहीं। अब बाकी तो सरकार ये कह रहा है सरकार जब चाहे ले लेगी, लेकिन विस्थापितों को ना ज़मीन है, ना कोई मकान के बारे में, ना कोई मुआवजे के बारे में सही ढंग से कोई कुछ नहीं कर रहा है। मुआवजा दे दो, जहर ख़त्म कर दो, तब जायदाद जो माँ देखी ना घर ने बाहर जायदाद कोई जायदाद नहीं देखी नहीं, कहाँ जाना हमने, हमारे डैम चाहिए आना थी, डैमन चाहिए वहाँ, हमको जोर दे दो। एक सरकारी आदमी का ट्रांसफर होता है तो वो उसको उतनी ही तनख्वाह मिलने वाली है, उतना ही बड़ा घर मिलने वाला है जहाँ ट्रांसफर होकर जाएगा, उसके बच्चे को वैसी शिक्षा मिलने वाली है, फिर भी जितनी जान पहचान है वो उस ट्रांसफर को रुकवाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं इससे ये नुकसान होगा। बाकी हम पूरी आबादी को कहीं भी ट्रांसफ़र करके फेंक देने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। ये सारे जितने भी ये है ये पहाड़ ये कच्चे हो जाएंगे तो सबको सारे एरिया खतरे में है, ये नहीं कि जैम जाम बढ़ रहा, वही है कि जितने सराउंडिंग एरिया बढ़ने सब खत्म होने, अगर कभी बांध फटता है तो चांदनी और इनका तो पाउंडर जैसे का भी पता लगेगा कहाँ चले गए। ये उधर से यहाँ तक का जो एरिया है वो पुल में मिलेगा तो शायद ये घर मुश्किल ही बच पाएंगे, उधर जो सामने हम देख रहे हैं ये डाइवर्शन जो रोड होगा इसकी दूरी 18 से 20 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। ये 18 किलोमीटर लोगों को मतलब यानी कि एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ेगा, उसके बावजूद ऊपर जो अभी 18 से 20 रुपए किलो आटा बिक रहा है, उसके बाद डैम बनने के बाद वो क्या रेट होगा ये सरकार को कोई अंदाज़ा नहीं है इस बात का। रेणुका जो झील है हमारी, इसको भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि रेणुका बांध का
जो बायां तट है उसके जो पहाड़ हैं वो बहुत कच्चे हैं, और ये चीज़ बांध प्रबंधन के इन्वेस्टिगेशन में भी आई है कि ये बांध ये जो हैं पहाड़ जो हैं बहुत कच्चे हैं। लोग जो रेणुका झील है, भगवान परशुराम की माँ का जो यहाँ झील है जिसके नाम से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी, ये तो डैम वाले भी मानते हैं, हमारे पास किताब है उसमें लिखा है कि रेणुका झील ख़त्म हो जाएगी इससे। वैसे ही चाहे ना माने, पर किताब में तो जिन्होंने छापा है कि अभी रेणुका झील ख़त्म हो जाएगी, तो इसका तो कोई बेनिफिट तो कुछ नहीं है, इसका तो सारा लॉस ही लॉस है। नदियों में पानी लगातार घटता जा रहा है। गिरी नदी की बात करें, जब ये प्रोजेक्शन आया से कुछ कई साल पहले 60s के बाद में ये चर्चा हुई दिल्ली को गिरी के पानी को ले जाने की, उस वक्त की अगर प्रोजेक्शन है तो पानी नदी में था होगा। आज देखिए इस नदी में पानी ही नहीं है। 148 मीटर ऊंचा डैम, 24 किलोमीटर लंबा, ये तो भरेगा कभी नहीं। हम लोगों को काहे को उखाड़ रहे हो? तकरीबन मैं यहाँ पर 25 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने 25 साल में यहाँ पर कभी गर्मी में भी पानी की समस्या नहीं दिखी थी, मगर अब पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर पानी की समस्या है। और इस साल तो ये जुलाई का आखिरी महीना चल रहा दिन चल रहे हैं, यहाँ पर आजकल टैंकर पानी से हमको पानी देने की कर रहे हैं। ये तो यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी के लिए, उस पानी को आप 300 किलोमीटर दूर ले जाएंगे पीने के लिए लोगों को। वहाँ पे पूरे इलाके में ये बात फैला दी गई है लोगों में कि ये राष्ट्रहित का है और ये तो बनेगा ही बनेगा। तो इसका एक तो ये राष्ट्रहित बार बार कह के विरोध की पूरी जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक लोकतंत्र में जो लोगों को एक होना चाहिए कि वो ना कह सकें किसी चीज़ को, वो एक पूरा ख़त्म कर दिया है इसमें कि आप इसमें कोई जगह नहीं है आपको मना करने के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रहित है। लेकिन क्या ये वाकई में राष्ट्रहित है, वो दूसरा बड़ा सवाल है। सिर्फ एक 10 दिन के खेल के कारण कुछ चंद लोग, कुछ चंद अफसर, कुछ चंद नेता अपने बहुत ही संकीर्ण एक लिमिटेड एंड को पाने के लिए यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस उनके साथ खिलवाड़ जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आज हम जिसको इसका फ्लड प्लेन कहते हैं, इसके चारों तरफ छोटे बड़े तालाब थे, डिप्रेशन के इलाके में पानी भरता था। उस इलाके को कभी किसी ने रिक्लेम करके अपनी बिल्डिंग या अपनी झोपड़ी बनाने की कोशिश नहीं की। उसमें खेत होते थे, लेकिन खेत तो बहुत ही कम समय के लिए होते थे, बाकी समय में नदी को अपना खेल खेलने दिया जाता था। जब वो थोड़ी उतरती थी तो भाई दो ककड़ी भी ले लो, खीरा भी ले लो और भिंडी भी ले लो, इससे ज़्यादा का उसका वो नहीं था। तो हमने ये जो पूरा नक्शा है लगभग 200 साल में इसको पूरी तरह से बदल दिया है, और आज इसमें से ये नदियाँ गायब हैं, ये झील गायब हैं, यहाँ तालाब थे 700-800 वो गायब हैं। दिल्ली सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे 2008-09 जो निकल के आए हैं उसके हिसाब से 40% पानी जो नदियों से खींचते हैं वो हमारे घरों तक पहुंचता ही नहीं। दैट मीन्स अगर दिल्ली सरकार आज के डेट में करीब 3500 मिलियन लीटर्स पर डे के पानी सप्लाई की बात कर रहे हैं, उसका 40% करीब 1300 मिलियन लीटर्स पर डे कहीं ना कहीं घूम हो जाते हैं। रेणुका डैम का जो कैपेसिटी है करीब 1250 मिलियन लीटर्स पर डे का है, 1250 MLD का है। हमारी ये मानना है कि ये
जो है ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ पैसा खर्च करने का और जो लोकल लोग हैं उनको परेशान करने का एक प्रोजेक्ट है। दिल्ली वो शहर है जो हर साल पानी के लिए तड़पता है और दिल्ली शहर में ही कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां कभी पानी की कोई दिक्कत नहीं होती और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां 12 महीने पानी की किल्लत रहती है। जहां आपके सरकारी लोग रहते हैं सेंट्रल दिल्ली में, वहां आपका 300 लीटर पर पर्सन पर डे पानी का सप्लाई है, जबकि मेरोली में 25 लीटर पर पर्सन पर डे है। जब आपका इतना इनइक्वालिटी है तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इनइक्वालिटी ठीक करने की ज़रूरत है अपने पानी की। अब हमको दिल्ली में एक ऐसी सरकार चाहिए जो हम सबके घड़े को भर सके। वो सरकार जैसा निर्णय ले हम उसमें ताली बजाते हैं। उसको यमुना का पानी ख़त्म करना है तो वो ख़त्म कर दे, फिर हम गंगा का पानी ले आए। हिंदी में एक मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना, वो सचमुच जमीन पर बहकर आती है दिल्ली उल्टी गंगा। उसको जाना किसी और है, हमने उसको मोड़ कर ग्रेविटी से पानी ऊपर उठा के यहाँ पे डाल दिया नीचे। अब इसके बाद वो कम पड़ गया तो हम टिहरी से ले आए, और टिहरी कम पड़ेगा तो हम हिमाचल का भी लाने के लिए खुशी खुशी तैयार हैं। और इसमें से कितने लोग डूबेंगे, कितने लोगों के खेत सूखे होंगे, कितने लोगों के घर के घड़े रीते होंगे सूखे होंगे, वो तो छोड़ो वो घर ही उजड़ जाएंगे, इसकी चिंता दिल्ली में आज किसी को नहीं बचती। जो यहाँ की पब्लिक है उनका रहन सहन जो यहाँ बिल्कुल बुरी तरह से इनका वो बुरा हाल हो जाएगा। आगे और बने ना बने भाई, इससे जो जो पता तो हमको चलता नहीं सरकार क्या करती, ये तो पावर तो सरकार के पास है। ये बात हमें दिल्ली पर पानी दे ना उसको कोई दिक्कत नहीं, पर वो देख तो ले पहले भी कहाँ से ले जा रहे हैं वो पानी और उस इलाके में क्या फालतू पानी है। तो जहाँ का फालतू पानी है उसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, देश है, एक देश के लोगों को दूसरे लोगों को मदद करनी चाहिए, मगर वहाँ पर ले जाएंगे अगर आप लोगों को प्यासे करके उजाड़ करके और फिर पानी चंद लोगों को बसाएंगे तो वो तो एक विकास का एक सही नज़रिया नहीं है। और सरकार की भी जो वेलफेयर स्टेट क्लेम करती है तो शायद वो सरकार भी फिर वो वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो शोषक सरकार हो गई है जो ऐसा काम करती है। हमारे को डैम नहीं चाहिए जी, जो पेट है हमारे उसको हम भाई बनाएंगे, इसमें परांदे बन गए और हम नहीं छोड़ेंगे अपनी ज़मीन को, ना हमारे को डैम मजबूर है। और मतलब छोड़ना पड़ेगा तो? ना हमने छोड़ना ही नहीं, हम छोड़ नहीं चाहते नहीं, अपनी ज़मीन कहाँ जाएंगे फिर हम, जैसे हम यहाँ रह रहे अगर हम दूसरे जगह चले जाएंगे तो हमारे को वहाँ मिल जाएगा, यहाँ तो हम अगर अकेले रहेंगे घर में तो भी रह जाएंगे, अगर बाहर हमारे को अकेले रहना पड़ेगा किस तरह से रहेंगे हम, इसका मतलब यह है हमारे को डैम ही नहीं चाहिए।